देखिए कैसे सारे के सारे खड़े हुए बात मिला रहे हैं। अरे क्या बात मिला रहे हो? ये बैठे जी फुर्सत में बर्गर खाना अच्छा नहले पे दहला मार रही हो, खुशबू तो अच्छी आ रही है, ऐसी होगी जो होटलों में बिल्कुल आवे। तो जी सबसे पहले समय देखिए 3:00 हो रही है 10 मिनट और हमारे घर का जो नजारा है वो है कुछ ऐसा। ये है हमारे सर जी जो डस्टिंग के कपड़े धो रहे हैं और इन्होंने सफाई अभियान चालू कर रखा है। देखो जी छुट्टियां खत्म होती जा रही हैं, छुट्टियों से पहले सफाई करी थी, अब फिर दोबारा घर मांग रहा है सफाई और पीछे से स्टार्टिंग कर दी है सफाई। गैली हो गई है, धुल गई है, अपना कमरा साफ हो गया, कुछ और साफ कर रहा हूँ, छुराजा कर रहा है नीचे अपने कमरे में और हनी कर रहा ऊपर सफाई, और अभी शाम को लगभग 1-1.5 घंटे बाद हम ऊपर से फिर धुलाई करके लाएंगे पूरे घर की। खाना खा के बस कह रहे थोड़ी देर 1 घंटा आराम किया होगा है? हाँ बस लेटे ही देने से। ये रूम तो मैं साफ कर चुकी हूँ पहले भी, बस आप कर रहे हो जब तक मैं अपने हाथ से ना करूंगा मेरे को चैन खाए। तो फिर पूरे कम पूरे घर को आप ही कर लो ना, फिर किसी और से क्यों ही करा रहे हो। पीछे दिखाती हूँ मैं आपको, यहाँ तो बड़ी सौंधी सौंधी सी खुशबू आ रही है सर जी। और फ्रेंड्स बाहर आप देख सकते हैं तेज धूप के साथ गर्म हवा है, ये देखो बहुत तेज धूप है। और ये है हमारी गैलरी पीछे जिसमें लगा था कूलर और इसको बहुत अच्छे से साफ कर दिया है सर जी ने। सुबह का खाना कैसा था? खाना था एकदम लाजवाब। ऐसी लाजवाब ये सफाई करना अच्छा। जैसे लाजवाब खाना था अच्छा। नाश्ता था वैसी लाजवाब सफाई भी होनी चाहिए सर जी। ठीक है तो ये तो कर रहे हैं ये वाला काम और मैं क्या कर रही हूँ? मैडम जी कर रही है अपने फटे पुराने कपड़ों की सेटिंग, मशीन निकाल ली आज। है हमारी काव्या जिसने अपनी गुड़िया के कपड़े सिलवा लिए हैं। और इधर देखो फ्रेंड्स मैं दिखाती हूँ मैं क्या कर रही हूँ, ये सब सफाई कर रहे हैं। और ये देखो पर्दे के पीछे राजा छिपा हुआ है जो खिड़की की सफाई कर रहा है। और ये बेडशीट है, कुछ तकिए के कवर है, कुछ हनी की ड्रेस है, राजा के कपड़े हैं। ए तुम सिलाई करो। तो ये है हमारी सिलाई मशीन जो टांड पे रखी थी जिसे मैंने आज निकाल लिया है। और ये चल लेकिन बड़ी आवाज कर रही है चलने में क्योंकि इसमें तेल डलना चाहिए और तेल इसके लिए मिला नहीं है। तो ये अभी मेरे कपड़े सिलने के लिए रखे हुए हैं बहुत सारे, इनमें सिलाई लगानी है और ये वाले सिल चुके हैं। और क्या बचा मेरा, साफ सफाई ये सब कर ही रहे हैं, खाना बना के सबको खिला दिया है, बर्तन पड़े हैं अभी मेरे। अभी फिलहाल सफाई अभियान चालू है और शाम को फिर धुलाई अभियान चालू होगा। अभी हो जाएगा थोड़ी देर में। हाँ मतलब ऊपर धूप आ रही है ना अभी, तो ये वाला फोल्डिंग हम ऊपर पहुंचा दो ना। बिल्कुल अब इसका काम नहीं है। अरे मैडम तू देख लो कोई आ रहा हो तो आ जानो। अब यदि कोई आएगा सर जी तो उसकी सेवा आप करेंगे क्योंकि मेरी तो छुट्टी खत्म, मैं तो जा रही हूँ। मैं खुद तुम्हारे साथ चल दूंगा 2 दिन बाद। फ्रेंड्स मेरी छुट्टी खत्म हो गई है और पूरी छुट्टी अब के हमने सबने यहाँ पे साथ में बिताई है और इसीलिए हमने ये फोल्डिंग लाया हुआ था नीचे क्योंकि कुछ लोग नीचे भी सोते थे जिनको एसी में सोना पसंद नहीं था। ये वाला जो कूलर है ना हमारा, ये पता नहीं इसमें क्या हो गया है, इस पर ये चलता ना तो ये बहुत पानी फेंकता है। इसे मिस्त्री को दिखाओ सर जी, मैंने ये साफ की थी। अच्छा 10 दिन पहले जैसे कहीं आप सफाई करो तो उसमें थोड़ी धूल तो लगेगी। अब आप साफ कर रहे हो और फिर कल ही देख लेना आप, मैंने 10 दिन पहले साफ की थी। ये तो छोड़ो मैंने गेट भी साफ किए थे ये वाले। हाँ जी, हाँ जी। राजा बताएगा राजा किए थे कि नहीं, मेरे साथ कौन सफाई करा रहा था, हनी की राजा नहीं मैं और देव और नहीं। तो मैडम जी बन गई आज टेलर मास्टर ने। जी मैडम जी, मैडम जी टेलर मास्टर नहीं बन गई आज, आज सारे घर के सिल डालूंगी। हैं कैसे है वो, आज सारे घर के सिल डालूंगी। आप क्या कर रही हो? काम कुछ ना कर रही, बात कर रही है। तो फ्रेंड जैसा कि आप देख रहे हैं और समय मैं आपको दिखाऊंगी, ये देखो 7 बज गए हैं काम करते करते, नीचे पूरी साफ सफाई हो गई है। ये देखो किचन बहुत अच्छे से साफ करी है। ये वाली जगह तो मैंने जो घड़ी वाली साबुन होती है ना उसको लगा के खूब अच्छे से रगड़ी है, बिल्कुल साफ हो गई है। और 7 बज गए हैं, इतना मतलब खराब सा लग रहा है। मैं जा रही हूँ अब नहाने। कब नहाली?
काव्या नहा चुकी है और ऊपर मशीन भी लगी हुई है। तो ऐसे दिखाती हूँ आपको, देखो ये वाले गेट ऊपर का वो वाला हिस्सा, ये वाली खिड़की, ये सब पूरा साफ किया गया और इधर भी पूरी किचन को साफ किया गया। और अभी मैंने जो तेल गरम करके रखा हुआ था ना, जो सब्जी अचार लाए थे उनमें, इनमें डाल के रखा हुआ है। और ये वाले जो दो डब्बे हैं ये हम लेके जाएंगे लखीमपुर, इसमें भी डाल दिया है। और फिलहाल मैं बनाऊंगी भिंडी, तो भिंडी को मैंने कुछ इस तरीके से कट करके रख दिया है और इनको ढक देते हैं और अब चलते हैं ऊपर। यहाँ पे कर देते हैं पंखा बंद, लाइट बंद कर देते हैं एक ऐसे, और अब चलते हैं जल्दी से ऊपर, नहाएंगे, नहा के नीचे आएंगे, फिर खाना बनाएंगे। क्या हो गया हनी, पैर कट गया है? देखो बैंडेड अभी ना, तो मैं नहाऊंगा यार, तो वाटरप्रूफ है वो। यहाँ क्या कर रहे हैं? ये नहीं उठाना आया। ये देखो यहाँ पे इन्होंने लगा रखी थी मशीन, पूरे ओढ़ने के बिछाने के सारे धो डाले हैं कपड़े। तो फ्रेंड्स 7:45 बज गए हैं और 7:45 बजे हम नहाए, अब हमारा काम खत्म हुआ है इनकी वजह से। आज पूरी छुट्टियों में, कह रहे आज का दिन यूज हुआ है पूरी छुट्टियों में। छुट्टियों का असली काम तो आज ही हुआ, काम निपटाने का। सोफे के कवर भी धुल गए हैं, बहुत सारी बेडशीट और चादर इसलिए धोई है क्योंकि अब उनका कोई काम नहीं है, सब लोग चले गए, ओढ़ने वाले बिछाने वाले उन्हें धो धो के रख देंगे, अगले साल काम आएंगी हैं सर जी। अगर ये छोटी छोटी भूख, तो जब हम सिकंदराबाद गए थे ना, तो सर जी वहां से लेके आए थे नमकीन, और हमारे यहाँ की जो नमकीन है वो बड़ी अच्छी लगती है हमें, सिकंदराबाद वाली। ये क्या है, काव्या तो खा भी रही है, ये देखो खाने लग रहा है बंदर, कैसी लग रही है? बहुत अच्छी भाई, मुझे भी खानी है गब्बू। तो फ्रेंड्स देखिए 8:36 हो गए हैं और यहाँ बैठे बैठे कुछ काम भी कर लिया है हमने, बहुत काम किया। सर जी देख रहे हैं मूवी, सर जी कौन सी मूवी देख रहे हो आप? लगती है इसका नाम है कड़वी हवा। कड़वी हवा, तो सर जी देखेंगे मूवी और हम चल रहे हैं खाना बनाने अब नीचे। बहुत देर हमने एसी की हवा खा ली है, बड़ा ठंडा ठंडा लग रहा है, अब नीचे जा रहे हैं भट्टी में झुकने। बाहर बहुत गर्मी है और नीचे खैर पंखा चलता है, वहाँ पे हवा लगती है लेकिन फिर भी गर्मी तो है ही, तो गर्मी है ही और ऊपर से जब एसी से निकलो तो और ज्यादा गर्मी लगती है। तो फिलहाल हम वहीं चल रहे हैं। सर जी चलो मेरे साथ। मैं ना जा रहा। काहे नहीं जा रहे हो? आज बहुत काम कर लिया, सिर में दर्द है, मुझे यही रहने दो। और हमने नहीं करा? हाँ तो तुम एक काम करो, आज 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 फास्ट रहने दो बस। सर जी आज खाना नहीं खाना? जब खुद के जाने का नंबर आ रहा नीचे तो कह रहे हैं आज रहने दो, आज फास्ट है, आज खाना नहीं खा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नीचे। 9:40 हो गए दोस्तों और हम आए ऊपर से, मेरा खाना बन गया होएगा और ये बैठे हैं ऐसे ही, अभी अभी दिखाता हूँ क्या कर रहे हैं ये। ये बैठे जी फुर्सत में, बन गया खाना? खाना आपने तो कहीं व्रत रहोगे। अच्छा नहले पे दहला मार रही हो? हम तो फुर्सत में बैठे हैं, हम तो फोन चला रहे हैं। हम तो वो देख रहे सर जी, क्या ये बात, इन्हू कह रहे मिस्ट्री बॉक्स आवे ट्रेंड में, चल रहे हैं आज कल उन्हें मंगा लो। आज तक मैंने ऑनलाइन जितनी भी शॉपिंग करी है सबके पैसे जो मेरे दरवाजे पे आता सामान लेके उसे देती हूँ मैं, ऑनलाइन कोई मैंने पे नहीं किया। और ये तो ऑनलाइन ही कह रहे हैं, मैं तो खरीदती ना ऐसे, सही है, कितना भी बड़ा ट्रेंड चल रहा सही, उसमें कुछ कुछ गिफ्ट निकलता है मतलब। अरे आप ये समझो जब हम छोटे थे तो गुपचुप नहीं खोलते थे दुकान पे जाके, हैं पैसे दे के उसे कि दो खोली तीन खोली, किसी में वो अंगूठी निकल गई, किसी में कुछ निकला कुछ कुछ निकला। ये आजकल ऑनलाइन मिस्ट्री बॉक्स चल गए हैं, इन्हें खोलो महंगे महंगे 300 रुपए से स्टार्ट है, 3000 तक के हैं, सब पागल बनाने वाली बात है। तो ये गुपचुप वाला खेल है, हम नहीं खेलते। और खाने की बात ये है कि देखो मैंने आटा गूंथ के रख लिया सर जी, और तैयारी मैंने ये कर ली है, आज कच्ची सब्जी खाई जाएगी। अब कच्ची क्या, मैं जैसे ही वो मिक्सी चलाने लगी तब तक लाइट ही भाग गई, और इसके लिए हमने देखो अलग से मसाला भी तैयार करके रखा हुआ है जो हमें पीसना है, बस हमें ये मसाला पीसना है, ये वाला। तो इससे ही खा ले मसाले से ही, वैसे ये बात तो सही कह रहे हो बस ये लेकिन इसका जो वो है मोटा है, प्याज मोटी है, टमाटर कोई बात नहीं, कर लो करो, इन्वर्टर से चलती नहीं है ना, ठीक है कोई बात नहीं कर लो। वालों के लिए बहुत कुछ कह रही थी मैडम अभी, ये वो जनरेटर में हत्ती मार आओ, और जैसे ही बोल रही थी तुरंत लाइट आ गई। मैं कह रही थोड़ा सा चला था बस, मुझे इतना सा काम है। कितना बताइयो, कितना जल्दी जल्दी दिखाओ, अभी लाइट पे चली जा, गर्मी ज्यादा हो रही है ना, तो जिस दिन ज्यादा गर्मी होती है उस दिन लाइट करती ही है परेशान। अच्छा
अब करेंगे यू शोर शोर। बस मुझे इतना सा ही काम था इससे और नहीं। बस काम खत्म। हाँ अब कितनी देर लगे खाना बनने में? अब तो बस अब ये सब्जी बनेगी, पहले आटा तो गूंथा रखा, रोटी बना दूंगी फट से, बस सब्जी बन जाए। चलो बन क्या रहा वैसे? आओ दिखता हूँ। मैं देख लिया भिंडी रखी है। जो भिंडी है वो कुछ इस तरीके से अब तैयार होंगी। चॉकलेट की क्या लिया आया सब? इसकी चॉकलेट कोई देखे 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 खान रहा दे रहे सर। खा ले बेटी अब मत दे तो। इसकी डार्क चॉकलेट है। देखिए सब सब काव्या की कोई पसंद तो इससे इससे तो मैं सबकी चॉकलेट वाली लिया था। कहाँ है हेयर बैंड इसका? लगाइए ना बालों में। देखिए कैसे सारे के सारे खड़े हुए बात मिला रहे हैं। क्या बात मिला रहे हो? बात मिला रहे हैं। हमारी जो सब्जी है वो बनके बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुकी है। क्या था खा लोगे इसे आज ना? टमाटर तो अभी इसमें जिंदे ही दिखे। ये जिंदे ही तो रखने हैं। जो डार्क जो इसमें घोल लेते वो तो पीस के डाल दिए थे ना। अच्छा पाओगे भी या इसे दिखाओगे? बस खाओ बस, सब तो बन के तैयार हो चुकी है। खुशबू तो अच्छी आ रही है, ऐसी होगी जो होटलों में मिलता है। ये सब्जी हालांकि मैंने मतौली में भी खाई है और ये मतौली से भी अच्छी बन गई। तो देखो मुंह देख रहे हो इसका, ये चॉकलेट वाली आइसक्रीम खाई इसने बिल्ली ने और अभी तक मुंह गंदा है इसका। भाई कैसी लग रही है? बहुत अच्छी है, मैंने आज तक नहीं खाई ऐसी सब्जी। दोस्तों खाना तो मैंने खा लिया और पानी नहीं पिया मैंने खाना खा करके, क्योंकि जो खाने का टेस्ट है उसे मैं अभी एंजॉय कर रहा हूँ। और बच्चा पार्टी खा रही है खाना, ये खा रही है। और मैं तो मैडम से कह रहा था, क्या कह रहा था मैडम, अभी जो अच्छे रेस्टोरेंट या होटल होते हैं उनमें ऐसी सब्जियाँ मिलती हैं, तो मैडम की एक डिश ऐसी है जो अगर मैडम खाना बनाना चाहे तो फेमस हो सकती है। इससे होटल खोलूंगी मैं। भूख कम थी, खाना ज़्यादा खाया। टेस्ट टेस्ट तो मैडम ऑलराउंडर है, सौ बातों की एक बात। बात खत्म। क्यों दोस्तों सही कहा ना? तो फ्रेंड 10:37 हो गई हैं और मुझे लगता है 8:36 पे मैं नीचे आई थी, काम सारा हो गया, सब खाना खा के ऊपर चले गए हैं, बस मैं नीचे थी। मैंने बर्तन साफ कर दिए हैं, अपनी किचन साफ कर दी है। ये देखो सारे बर्तन मेरे साफ हो गए हैं, पूरी किचन मेरी एकदम क्लीन क्लीन बढ़िया हो गई है। और आज फ्रेंड्स इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, बहुत ज़्यादा, सभी के यहाँ पे हो रही होगी, यूपी में तो बहुत ज़्यादा गर्मी है इस टाइम। ऊपर तो थोड़ी हवा लग रही है, यहाँ पे दिन में लू लगती है लेकिन इस टाइम तो ठंडी लगती है थोड़ी थोड़ी। और आज पूरा दिन काम में बीता, सुबह से सुबह नाश्ता, फिर उसके बाद खाना, फिर उसके बाद सफाई, पूरा दिन हो गया बहुत सारी सब ने मिल के किया। फिर उसके बाद कपड़े धुलाई, उसके बाद फिर खाना, और बस अब फिर हुए हैं 10:30। बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, पैर दुख रहे हैं। सर जी कह रहे हैं आज तो मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा है, सभी थके हुए हैं। बिस्तर लग गए, बिस्तर लग गए आराम। अब बाहर लेकिन हवा चल गई, पर नीचे बहुत गर्मी लग रही है इस टाइम। आंधी आएगी क्या? आंधी नहीं आएगी, थोड़ी हवा चल रही है। अब कौन सी फिल्म चल रही है सर जी? वही वाली। चलो थोड़ी सी मैं भी देखती हूँ। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, लव यू, राधे राधे आप सभी को।